खून की नदियां बहा देंगे। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का तानाशाही पूर्ण तरीके से घोषणा की और पूरे भारत देश में आर्थिक आपातकाल लगा दिया, आज हमारी देश की जनता में एक उस समय अफरा तफरी मच गई। पूरे एटीएम, पूरे बैंकों में लाइन लग गए और नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं 50 दिन आपसे मांगता हूं, 50 दिन के बाद पूरा भारत देश सुधर जाएगा। आज हम सब 50 दिन नरेंद्र मोदी जी के पूरे हो गए हैं, लेकिन मैं ये बात आज दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत देश की जनता आज जितनी त्राही त्राही कर रही है, इससे पहले भारत देश की जनता के साथ ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय आज तक किसी सरकार ने नहीं थोपा था। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता के साथ जो अन्याय किया है, जो उनको इस तरह से आर्थिक नाकेबंदी की है, उनकी अपने पैसे को वो निकाल नहीं पा रहे हैं, निश्चित रूप से इसके विरोध के लिए हमारे राहुल गांधी जी के निर्देश पर हम सब लोग आज पूरे भारत देश के सभी जिलों में कलेक्ट्रेट का घेराव करने निकले हैं और आने वाले दिनों में राहुल गांधी जी के निर्देश पर हम और इससे और बृहद उग्र आंदोलन करेंगे। भैया, आप लोग को पानी की बौछार भी पड़ी और लाठी भी चार्ज हुआ, उसमें क्या है? हम सब आज संघर्ष करने आए हैं, जनता की आवाज को
नरेंद्र मोदी जी तक लेकर जाने के लिए आए हैं, शासन प्रशासन तक लेके आए हैं। इसके लिए हम डंडा और पानी सब खाने के लिए तैयार हैं। गोलियां चलाएंगे तो भी संघर्ष जारी रहेगा। और जिस तरह से आज हमारे नियत कार्यकर्ताओं पर जिन्होंने लाठी चलाई है, ऐसे पुलिस अधिकारियों पर, ऐसे पुलिस अफसरों पर यदि कार्रवाई नहीं होती तो इसका खामियाजा प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। 9 तारीख को भी आप लोग फिर आंदोलन करेंगे, बोले लाठी चार्ज से आने वाले दिन में चरणबद्ध हमारे कार्यक्रम है। और 9 तारीख को महिला कांग्रेस के नेतृत्व में थाली बजाओ कार्यक्रम है, उस दिन भी हम लोग इसी तरह का उग्र प्रदर्शन करेंगे। मोदी कहते हैं कि हमने मौका नहीं दिया इसलिए इतना विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया? मोदी जी ने 50 दिन मांगा था, हमने 50 दिन से ज्यादा दिया है। 50 दिन तक कांग्रेस ने किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया, लेकिन 50 दिन पूरे हो जाने के बाद भी जनता आज जिस तरह से पैसे के लिए तरस रही है, कैश के लिए तरस रही है, जिस तरह से व्यापारी का धंधा पानी चौपट हो गया है, जिस तरह से मजदूर को मजदूरी के लिए तरसना पड़ रहा है, किसान को उसका धान का कीमत नहीं मिल पा रहा है, इन सब बातों को लेकर आज हमको सड़क पर उतरना पड़ा है और इस संघर्ष को हम अंतिम तक जारी रखेंगे। कांग्रेस के प्रदर्शन के बारे में जो प्रदर्शन उन्होंने किया है, इसमें प्रशासन ने क्या कार्रवाई की और आगे क्या कार्रवाई करने वाली है? कांग्रेस के द्वारा नोटबंदी को लेकर के आज महामहिम राष्ट्रपति के महोदय ज्ञापन सौंपा गया है, उसको हम कलेक्टर महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय प्रेषित करें। उनका जो प्रदर्शन था शांतिपूर्वक था, यहाँ पर कोई हम लोग बल का प्रयोग नहीं किया। जो वाटर कैनिंग की गई और धक्का मुक्ति हुई, वो हल्का बल था, वाटर कैनन का इस्तेमाल ग्रह रहे थे, उसको रोकने के लिए किया गया था, तोड़ने का प्रयास किया गया, उसी के लिए हमने वाटर कैनन का इस्तेमाल किए थे, वेटिंग को तोड़ने का जो प्रयास किए थे उसके लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। सर लाठी चार्ज जो थोड़ा सा हुआ उसमें लाठी चार्ज किसी का नहीं हुआ।